कोरोना संक्रमण काल में मातृशक्ति संगठन ने सफाई कर्मचारियों का जगह जगह अभिनंदन किया और उन्हें सुरक्षा किट प्रदान किया। इस संक्रमण काल में सफाई कामगार किसी योद्धा से कम नहीं। टीकमगढ़ में मातृशक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों का जगह जगह जाकर स्वागत किया। मातृशक्ति संगठन के अध्यक्ष श्रद्धा चौहान और उनकी टीम ने सफाई कर्मचारियों को एक किट देकर सभी का अभिनंदन किया। श्रीमती चौहान ने कहा कि आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया जिस कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बाद सबसे बड़ा काम हमारे सफाई कर्मी करते हैं। उनके पास ना तो आधुनिक औजार हैं ना सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद वे दिन रात शहर को साफ और स्वच्छ बनाए हुए हैं। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सफाई कर्मचारी योद्धाओं का स्वागत भी सैनिकों की तरह किया जाए। हम लोगों को लगा कि जब आज हम सभी घर पर सुरक्षित बैठे हैं, तो उसका कारण ये कोरोना योद्धा है। ये अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि और पूरे भारतवर्ष के लिए, अगर हम सब सुरक्षित हो तो इनके कारण। जिस तरह से गंगा में नहाने से हम सब पवित्र हो जाते हैं, आज हमारा पूरा भारतवर्ष पवित्र है, तो सिर्फ इन कर्मयोद्धाओं, इन सफाई कर्मचारियों के कारण। इसलिए लगा कि इनके उत्साहवर्धन के लिए हम लोग थोड़ा सा इनका सम्मान करें, हमसे जो बन पड़ा। क्योंकि मातृशक्ति संगठन एक गैर अनुदान, गैर राजनीतिक संस्था है, जो सामाजिक कार्य, जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, तब से हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसमें हमें लगा कि हमें अपने सफाई कर्मचारियों को सहवर्धन करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए, इनके लिए हमारी योजनाएं हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, हम बड़े रूप में कुछ करें, इनका सम्मान करें। और प्रशासन, पूरे देश से, सरकार से हम ये मांग करें कि आज जब हम सब सुरक्षित हैं, तो इनके कारण। हमारे जो सफाई कर्मी संगठन, वो अपने टीकमगढ़ शहर को सफाई करने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए ना हमारे सफाई कर्मचारी कमी ने ये कहा है कि किसी प्रकार का टीकमगढ़ में सब लोग, मीडिया कर्मियों का, हर संगठन हमारे सफाई कर्मियों का हर तरीके से प्रोत्साहन कर दे रहे हैं। और हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, वो भी प्रोत्साहन देकर के हमारे सभी सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन करके इस बीमारी से अपन को टीकमगढ़ से हर हाल में भगाना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।